लव हिस्ट्री तो बहुत टाइप का देखा होगा, सब बंदा मिलने के लिए अपने बंदे से क्या कुछ नहीं करता है, सात समुंदर पार, एक्सीलेशन सीन हो रहा है अभी फिलहाल, हाल फिलहाल में लोग सरहद पार हो रहे, सरहद से इधर आ रहे, सरहद से उधर जा रहे हैं, मतलब पता नहीं चल के आ रहा दुनिया में कि इनकी स्टोरी कुछ अलग ही है। जी हाँ, मैं अपने बिहार बेतिया जिले की बात करने वाला हूँ, जहाँ पे एक अनोखी लव स्टोरी सामने उभर के आई है। जी, यह स्टोरी है प्रीति और राजकुमार जी की, जिस तरह इनका नाम उस तरह इनका काम। मतलब लोग पहले के ज़माने में क्या होता था, मतलब अंधेरे में एक दूसरे से मिलते थे ताकि कोई देख ना ले, रात के अंधेरे में, दिन में तो अंधेरा होता नहीं है, आप आर्टिफिशियल अंधेरा कर लो अलग बात है। तो इन्होंने एक रास्ता निकाला, क्योंकि ट्रांसफार्मर इनके घर के पास थे। प्रीति मैडम बोली ना, मैडम ही बोलता हूँ, आपके नीचे फोटो वगैरह शो कर रहा होगा। ये पर डे रात में बिजली गुल कर देती थी, बिजली गुल इमोशंस, क्या बोलते उसे, प्यार जगने लगता था राजकुमार के प्रति, और ये दोनों अंधेरे का फायदा उठा के गुटरगु कर रहे होते हैं। भाई दिनचर्या बन गया इनका, पर डे लाइट काटना, पर डे एक दूसरे से मिलना। एक दिन हो गई, दो दिन हो गई, अब इनके लाइट कटने की वजह से गांव में चोरी, पता नहीं क्या क्या, और भी हीरे रांझे एक दूसरे से मिलने लगे। गांव वाले परेशान हो गए, गर्मी का सीजन चल रहा, अब ऐसे में बिना लाइट का सोना पड़े सुशासन बाबू के राज्य में, कुछ मानो या ना मानो लाइट तो सही चल रही है अभी। तो गांव वाले ने पता लगाने की कोशिश, काफी चल क्या रहा, तो बलि का बकरा कब तक खैर मनाए। एक दिन इनकी बंडा फूट गई, दोनों की इज्जत लुट गई, भाई राजकुमार साहब की तो तबीयत से धुनाई हो गई, प्रीति जी गई बीच में छुड़ाने। गांव वाले का मन में एक ख्याल आया, पास वाले मंदिर में जाकर दोनों का ब्याह रचा वाला, तो डेडिकेशन लेवल टॉप फ्लो पे है इनका। और एक मेरी वाली है, जान दो पर्सनल है। और अगर हाँ, सीमा भाभी का वीडियो ना है, नेक्स्ट टाइम उनके ऊपर भी वीडियो लाने वाला हूँ, सोच रहा हूँ। अरे रिस्पॉन्स देख लो, इस वीडियो पे कैसा रिस्पॉन्स मिलता है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर देना, लाइक भी कर देना, और इस गरीब के मुंह पे मुक्का मार कर सब्सक्राइब कर देना, मेरे मुंह पे नहीं, वो लाल वाले पे मारना।